नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूरे पटना का सबसे सस्ता डॉग के बारे में दिखाऊंगा, जर्मन शेपर्ड और बढ़िया क्वालिटी में, और इसका प्राइस जान करके आप लोग दंग रह जाओगे। दोस्तों, मैं अपने जायरो को लेकर के पटना आया हुआ था चेकअप करवाने के लिए। तो लव बया को आप लोग जानते ही हो, इनका दो और तीन बहुत सारे GSD के पप्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और इनका जो प्राइस है ये जान करके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि ये इतना बड़ा बड़ा करके फिर किन्हीं को देते हैं। नहीं तो नॉर्मली लोग 25 दिन 27 दिन का पप्पी ले आते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। तो ये देखिए 50 दिन का पप्पी है, कितना ज़बरदस्त पप्पी आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए इतना ज़बरदस्त पप्पी अगर आप लोग अपने घर में रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा पालने में, उसको मुँह में सेरेला खिलाना नहीं पड़ेगा। तो मैं आया था तो सोचा कि आप लोगों को क्यों ना इसके बारे में बता दूं। तो देखिए यहाँ पर एक है 2.5 मंथ का पप्पी और यहाँ पे 50 दिन का पप्पी है। इसका कान देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये भी बहुत सारे पप्पी और भी कुछ पप्स हैं तो जिनको कांटेक्ट करना होगा डायरेक्टली आप लोग बात कर लीजिएगा। चलिए हम इस पप्स के बारे में बात करते हैं, मेल है या फीमेल है इसके बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप 50 दिन करके पप्पी दे रहे हैं और बाकी लोग देते हैं 25 दिन 30 दिन का पप्पी। तो आप बताइए कि क्या आपको लॉस नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे? लॉस ही बड़ा चीज़ नहीं है भैया। हाँ देखिए, अच्छा चीज़ दीजिएगा तो लोग फिर से आएंगे आपके पास। बिल्कुल। अब मैं बच्चा दे दूंगा छोटा, उनसे केयर होगा नहीं, जो फर्स्ट टाइम ओनर रहेंगे, पपी गया मेंटेन नहीं हुआ वो मर जाएगा, वो मेरे लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे घर का पपी मर गया, और कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं पपी 50 डेज का मिनिमम देता हूँ। सही है। और देखिए नॉर्मली 30 दिन से नीचे का तो पपी लेना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत ही अति हो गया। अगर 50 दिन का पपी मिल रहा है तो वो बेस्ट है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 45 डेज का पपी बेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक फीमेल है वो और एक मेल है। यहाँ पर देखिए ये है, मेरे हाथ में मेल है और एक फ़ीमेल है, दोनों देखिए कितना मस्त है, और यहाँ भी एक मेल है। तो जो भी लोग चाहते हैं इस पप्पी को लाइव देखे पटना में, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इनके पास केवल जर्मन शेपर्ड ही नहीं, और भी बहुत सारे ब्रीड हैं, गोल्डन रिट्रीवर हैं, और कौन कौन सा ब्रीड है आपके पास? गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर, लैब्राडोर, इन सारे ब्रीड के बच्चे हमेशा मेरे पास अवेलेबल होते हैं। तो चलिए, मैं हमेशा जब पटना आता हूँ तो कोशिश करता हूँ यहाँ पे विजिट करूँ, क्योंकि इनका लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड और रॉटवेलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिखा दिए, कुछ दे दिए और कुछ हवा पानी दे दिए, ऐसा बात नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, उसके बाद देने के बाद आपका कॉल भी नहीं रिसीव करेंगे, पप्पी को क्या हुआ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डॉग ले जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, तो उस टेंशन को मुक्ति करने के लिए जो जिनसे आप डॉग लिए हैं बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बार लोग पीछे मुकर जाते हैं, हट जाते हैं, बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, रात में कॉल करो, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या? कम से कम 1 मंथ तो ओनर को गाइड करना चाहिए ही चाहिए। जी मैं गाइड करने के लिए कभी पीछे नहीं रहता हूँ, 24 आवर्स कभी भी डॉग में प्रॉब्लम है आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और अभी मैं पटना आया हुआ था तो मेरे जायरो का पूरा मतलब कि चेकअप और अंदर में पूरा इन्होंने ही करवाया है, मुझे तो कोई पहचान नहीं था तो हो नहीं पाता, लेकिन ये और अमन भैया मिल करके पूरा मेहनत किए। और मैं 100 किलोमीटर दूर से आया था अपने जायरो का चेकअप करवाने के लिए, तो उतने दूर से आने का पूरा मकसद पूरा हो पाया है इनके वजह से, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, बट दिक्कत होता भी है तो इनसे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, आपको इनका बिहेवियर, इनका डॉग का क्वालिटी सब कुछ पसंद आएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारे वीडियोस में, और अगर आपको हमारी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब मिलेगा। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।